बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिग्नल एंड सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक कवर करेंगे आज हम, जिसमें टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सिंग, टाइम स्केलिंग और एम्पलीट्यूड और इनके कंबाइन इफेक्ट देखेंगे और इसके कोई एग्जांपल ले सॉल्व करेंगे समझने के लिए। तो टाइम शिफ्टिंग की जो जनरल इक्वेशन है वह है वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस बी। इसमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दो चीज़ें हैं। हम इसको राइट शिफ्ट तब करते हैं जब बी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, पॉजिटिव हो, और लेफ्ट शिफ्ट तब करते हैं जब बी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, मींस के नेगेटिव हो। तो राइट शिफ्ट को हम डिले इन टाइम भी कहते हैं और लेफ्ट शिफ्ट को हम एडवांस इन टाइम भी कहते हैं। और टाइम रिवर्सिंग में क्या है कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन एक्स ऑफ नेगेटिव एन, मीन्स एन बेसिकली हॉरिजेंटल पे होता है, मतलब मींस के एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस को हम एन से कंसिडर करते हैं। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली एन लेते हैं और कंटिन्यूस टाइम में मोस्टली हम टी वेरिएबल लेते हैं टाइम, और कंटिन्यूस टाइम में हम टी लेते हैं टाइम और डिस्क्रीट में हम मोस्टली एन लेते हैं हॉरिजेंटल। तो वाई ऑफ एन इजक्ल टू एक्स ऑफ नेगेटिव एन टाइम रिवर्सिंग हो जाएगा और इसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। टाइम स्केलिंग और सैम्पलिंग, इसकी इक्वेशन जो है वह वाई ऑफ एन इजक्ल टू एक्स ऑफ ए एन, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टेंट एन से मल्टीप्लाई हो तो उसमें उस दौरान हम सैम्पलिंग कर रहे होंगे। ए इज़ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होना चाहिए सैम्पलिंग के दौरान, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम सैम्पलिंग कर रहे होंगे तब हम मोड लेंगे ए का, मींस के पॉजिटिव करेंगे उस नंबर को। वो नेक्स्ट हम इक्वेशन सॉल्व करते हुए चेक करेंगे। कंबाइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कंबाइंड फैक्ट आ गया है कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए एन माइनस बी, मीन्स के इसमें टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग दोनों इन्वॉल्व हैं। ए ऑफ एन टाइम सैम्पलिंग है और साथ ही माइनस बी टाइम शिफ्टिंग है। इसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी भी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा यहाँ, और ए और बी दोनों इंटीजर्स होंगे। तो इसमें फिर दो मेथड अप्लाई होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है उसमें हम पहले टाइम शिफ्ट करते हैं एक्स बाय बी और देन सैम्पलिंग करते हैं उस रिज़ल्ट को बाय मोड ऑफ ए, मीन्स के पॉजिटिव नंबर के साथ। एंड इफ़ ए लेस देन ज़ीरो, अगर ज़ीरो ए ज़ीरो है नेगेटिव है तो टाइम रिवर्सिंग भी करेंगे हम। तो सेकंड मेथड ये है कि सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी होगी कि बी बाय ए इंटीजर है या फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर तो इंटीजर है देन सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे हम, यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड में हम पहले करते हैं सैम्पलिंग एक्स बाय मोड ऑफ ए एंड टाइम रिवर्सिंग इफ़ ए लेस देन ज़ीरो, फिर हम करते हैं टाइम शिफ्टिंग द रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट को हम टाइम शिफ्ट करते हैं बाय बी ओवर ए, ठीक है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में टाइम शिफ्टिंग में फ़र्क है, ये ज़रा ध्यान से समझना। फर्स्ट मेथड में टाइम शिफ्ट है बाय बी, सेकंड मेथड में टाइम शिफ्ट है बाय बी ओवर ए। ये सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसको जहन में रखना। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है कि एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है अक्रॉस द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस अप या डाउन एम्पलीट्यूड, वो हम नेक्स्ट चेक करेंगे कैसे होता है। कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू सी ऑफ सी इंटू एक्स ऑफ एन, कोई भी कांस्टेंट होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो इंटीजर हो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो उसके एम्पलीट्यूड में फ़र्क आएगा, ठीक है। वो चेक करेंगे हम कैसे। ये नीचे एग्जांपल आ गई, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं वाई ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स ऑफ माइनस थ्री एन प्लस सिक्स। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास माइनस टू से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। माइनस थ्री वाला
टाइम स्केलिंग है और प्लस सिक्स बीच में है, तो मीन्स के शिफ्टिंग भी हो रहा है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई है, तो हम चेक करते हैं। दो मेथड है, ये कम्बाइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें दो मेथड होते हैं जो हमने ऊपर देखे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, सॉल्व एंड स्केच ग्राफ ऑफ टाइम शिफ्टिंग टाइम्स करेंगे एंड टाइम रिवर्सिंग। तो हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई एक्सेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। फोर पे आप चेक कर सकते हैं, वन है, थ्री पे टू है, टू पे थ्री है, वन पे फोर है और ज़ीरो पे फाइव हाइट दी हुई है या एम्पलीट्यूड दिया है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और माइनस वन पे फोर है, माइनस टू पे नेगेटिव थ्री है और एन हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे आप चेक कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का, वाई ऑफ एन माइनस टू ऑफ एक्स माइनस थ्री एन प्लस सिक्स। तो फर्स्ट हम टाइम शिफ्ट करेंगे एज एक्स ऑफ एन माइनस इंटू माइनस सिक्स, मीन्स के हमारे पास बी की वैल्यू नेगेटिव सिक्स है। ये जनरल फॉर्म में मैंने ऊपर देखी, आप चेक कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास बी नेगेटिव सिक्स है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी शिफ्ट द ग्राफ लेफ्ट साइड और एडवांस इन टाइम जिसे हम कहते हैं, मीन्स के जब बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमने लेफ्ट शिफ्ट करना था, ये हमने ऊपर देखा था। तो लेफ्ट शिफ्ट कितना करेंगे, सिक्स, सिक्स टाइम्स हम एडवांस आ जाएंगे। कैसे, तो हमारे पास उधर थी फोर पे वैल्यू, ऊपर देखें हमारे पास ग्राफ में फोर पे थी, तो हम फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम्स हम एडवांस में आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। तो मींस माइनस टू से हम स्टार्ट करेंगे और माइनस टू से स्टार्ट करेंगे तो माइनस एट तक जाएंगे हम, और इसके एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम रहेगा, बस हम पहले आ जाएंगे, टाइम एडवांस में आ जाएंगे। ये देख सकते हैं हम ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो गया, एम्पलीट्यूड सेम है सबका, फोर वाली वैल्यू माइनस टू पर आ गई है, थ्री वाली माइनस थ्री पर आ गई है, टू वाली माइनस फोर पर आ गई है, ये बस वैल्यूज एडवांस में आ गई हैं, ये टाइम शिफ्ट हो गया है। देन हमारे पास है सैम्पलिंग, डाउन सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं। डाउन सैम्पलिंग बेसिकली जब कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा हो एन के साथ तो हम डाउन सैम्पलिंग करते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो, मीन के थ्री बाई फोर हो, वन बाई टू हो, तो हम अप सैम्पलिंग करते हैं, वो एक अलहदा कहानी है, बस हम आप डाउन सैम्पलिंग को देखें। तो डाउन सैम्पलिंग हम करेंगे मोड ऑफ ए, मीन्स के माइनस थ्री है हमारे पास, उसका मोड लेंगे तो पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव थ्री से हम डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस को। इन डाउन सैम्पलिंग वी डिवाइड द एक्स एक्सिस बाय मोड ऑफ ए, इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वी इग्नोर फ्रैक्शन वैल्यूज। डिस्क्रीट टाइम में हम सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू लेते हैं, फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, तो आप डिवाइड कर सकते हैं एक्स एक्सिस को। तो देख सकते हैं जो भी फ्रैक्शन वैल्यू हम उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यू कंसिडर करेंगे। माइनस सिक्स बाय थ्री माइनस टू आया वो कंसिडर करेंगे, माइनस थ्री बाय थ्री माइनस वन आया वो कंसिडर करेंगे। मीन्स के मैंने इसको डिवाइड किया है, इनको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, इसकी भी फ्रैक्शन आएगी, इन दोनों की फ्रैक्शन। माइनस सिक्स को थ्री से डिवाइड किया तो माइनस टू आ जाएगा, तो वो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। माइनस थ्री को थ्री से डिवाइड किया तो माइनस वन आएगा, तो वो वाला इधर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं माइनस टू पर आ गया, एम्पलीट्यूड फाइव है सेम टू सेम, और माइनस वन पर आ गया, माइनस थ्री वाला सिग्नल माइनस वन पर आ गया, ठीक है, जिसकी हाइट टू थी। तो बट वी हैव आल्सो टाइम रिवर्सिंग इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो रहा था एन के साथ, हमने पॉजिटिव इंटीजर से हमने डिवाइड किया क्योंकि हमें मोड ऑफ ए लिया था, लेकिन हमें माइनस थ्री को भूलना नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू कोई भी एन से मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स के वो टाइम रिवर्सिंग भी हो रहा है, तो अब हम टाइम रिवर्सिंग भी साथ कर देंगे, इसको हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो मीन्स के नेगेटिव वन पॉजिटिव वन पे आ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू पे आ जाएगा, हाइट सेम रहेगी सिग्नल्स की। ये देखें, ये वन पे आ गया, ये टू पे आ गया, एम्पलीट्यूड सेम है,
नाउ हाउ चेंज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेक करेंगे कैसे चेंज होता है। तो ये इक्वेशन हमने ऊपर फाइंड कर लिया ग्राफ की, तो बस नेगेटिव टू रह गया। तो जब माइनस टू मल्टीप्लाई होगा होल इक्वेशन के साथ, मीन्स के वाई एक्सिस में कोई ना कोई फ़र्क आएगा। तो ये माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ है, तो माइनस टू मीन्स के टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से तो माइनस फोर आएगा, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से नेगेटिव टेन आएगा। तो मीन्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वो जो जो टू पे वैल्यू थी वो टू से मल्टी माइनस टू से मल्टीप्लाई होकर माइनस फोर पर आ गई, चेंज हो गया माइनस फोर। फाइव वाली जो थी वो नीचे आ गई माइनस टेन पर मल्टीप्लाई हो गई। अगर तो पॉजिटिव टू रहता, ये नेगेटिव ना होता, पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव साइड पे रहता, लेकिन हाइट चेंज हो जाती फोर पे आ जाती, पॉजिटिव फोर और पॉजिटिव टेन पे आ जाता, मींस कि वो नेगेटिव टू था तो क्वाड्रेंट भी चेंज हो गया साथ साथ। तो ये ऐसे एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे दूसरे वाला। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे बी बाई ए इंटीजर है या नहीं। तो जब मैंने चेक किया बी की वैल्यू थी माइनस सिक्स, ए की वैल्यू थी माइनस थ्री, सिक्स को थ्री से डिवाइड किया तो ये पॉजिटिव टू आ गया, तो मीन्स कि ये इंटीजर ही है। तो हम सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में सबसे पहले था डाउन सैम्पलिंग पहले करनी है, बाय मोड ऑफ ए, माइनस थ्री का मोड आया पॉजिटिव थ्री, तो इसकी पॉजिटिव थ्री ऑफ एन है, इसकी जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे ओरिजिनल ग्राफ को, ओरिजिनल ग्राफ ये है, इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी थ्री वाली और ज़ीरो वाली, बाकी सारी फ्रैक्शन में है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। थ्री को थ्री से डिवाइड करूँगा तो पॉजिटिव वन आएगा, ज़ीरो को थ्री से डिवाइड करूँगा तो ज़ीरो ही आएगा, मीन्स कि ये थ्री वाली वैल्यू वन पे आ जाएगी, ज़ीरो वाली ज़ीरो पे ही रहेगी। तो ये देख लें आप, थ्री वाली वन पे आ गई और ज़ीरो वाली ज़ीरो पर ही, एम्पलीट्यूड सेम है। और साथ ही हमने चेक किया कि टाइम रिवर्सिंग भी हो रहा था, मींस के नेगेटिव थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने भूलना नहीं है। तो रिफ्लेक्शन भी साथ होगी, माइनस वन पे आ गया वन वाला सिग्नल, ज़ीरो वाला ज़ीरो पे रहेगा। अब टाइम शिफ्टिंग करेंगे बाय बी ऑफ ए, सेकेंड मेथड में मैंने आपको बताया था याद रखना कि बी बाई ए से हम टाइम शिफ्ट करते हैं। तो बी बाई ए का आंसर जो है कि वो टू है, पॉजिटिव टू। तो जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स ऑफ एन माइनस बी, तो हमारे पास पॉजिटिव टू आया, मींस के जब इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे पुट करेंगे तो एक्स ऑफ माइनस थ्री एन हमने फाइंड कर लिया, तो उसमें टाइम शिफ्टिंग में माइनस टू ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग फार्मूला। तो जब माइनस टू ऐड किया तो मींस के बी हमारे पास पॉजिटिव है, वो जो वैल्यू थी, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम राइट शिफ्ट करते हैं, तो हम इस ग्राफ को राइट शिफ्ट कर देंगे, ज़ीरो वाला आ जाएगा टू पे, माइनस वन वाला आ जाएगा वन पे, टू टाइम्स हम राइट शिफ्ट हो जाएंगे, डिले इन टाइम आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, वन पे आ गया और टू पे आ गया सिग्नल। इसी तरह एम्पलीट्यूड चेक करेंगे, एम्पलीट्यूड में हमारा माइनस टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये वाला माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स के क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा और हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास देख सकते हैं सेकंड मेथड में ये ग्राफ और फर्स्ट मेथड में ऊपर जो ग्राफ था वो सेम है, मीन्स के दोनों मेथड अप्लाई किए दोनों का रिजल्ट सेम आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वाई ऑफ एन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन इंटू थ्री एन प्लस टू। तो प्लस टू है मीन्स के लेफ्ट शिफ्ट ही होगा, थ्री ऑफ एन आगे थ्री टाइम्स डाउन सैम्पलिंग करेंगे, माइनस थ्री नहीं है पॉजिटिव थ्री है तो इसमें टाइम रिवर्सिंग नहीं होगा, और माइनस एक्स होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन, तो मींस के माइनस वन टाइम्स वाई क्वाड्रेंट में चेंजिंग आएगी, वो हम चेक करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो एक ग्राफ है और ग्राफ में हम पहले इसमें करेंगे फर्स्ट टाइम शिफ्ट बाय एक्स ऑफ एन माइनस इंटू माइनस टू, मीन्स के बी के वैल्यू नेगेटिव है तो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे टू टाइम्स। तो हमारे पास माइनस वन वाला सिग्नल, माइनस ज़ीरो वाला सिग्नल माइनस वन
और माइनस टू मीन्स के टू टाइम्स ज़ीरो वाला सिग्नल टू माइनस टू से स्टार्ट होगा और माइनस सिक्स तक जाएंगे हम। अब ये देख सकते हैं ज़ीरो वाला सिग्नल माइनस टू पर आ गया, माइनस वन वाला माइनस थ्री पर आ गया, माइनस टू वाला माइनस फोर पर आ गया, इस तरह माइनस फाइव पर आ गया और माइनस सिक्स पर सिग्नल आ गया। तो ये तुम्हारे पर लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। नाउ टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग करेंगे हम थ्री टाइम्स मीन के थ्री से हम डिवाइड कर देंगे एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम थ्री से डिवाइड कर देंगे। सिक्स को थ्री से डिवाइड किया तो माइनस टू आया, माइनस थ्री को थ्री से डिवाइड किया तो माइनस वन आया, माइनस सिक्स वाला सिग्नल इधर आ जाएगा और माइनस थ्री वाला सिग्नल माइनस वन पर आ जाएगा। ये देख सकते हैं माइनस टू पर जो है वो माइनस वन हाइट है और वन पर जो है पॉजिटिव वन हाइट है। नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेक करेंगे। होल इक्वेशन नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मीन्स नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू वाला सिग्नल जब मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव वन से, ये वाला सिग्नल नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर चला जाएगा, ये जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे आ जाएगा माइनस वन टाइम्स। ठीक है, ये देखिए क्वाड्रेंट चेंज हो गया दोनों के, माइनस टू वाला पॉजिटिव क्वाड्रेंट में चला गया और माइनस वन वाला सिग्नल नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ गया। ये फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नाउ चेक कंडीशंस, बी बाय इज़ एन इंटीजर, कंडीशन चेक करेंगे सेकंड मेथड के लिए कि वो इंटीजर है या नहीं। तो हमने चेक किया थ्री बाय माइनस टू, नहीं बेसिकली माइनस टू बाय थ्री है क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू माइनस टू है और ए की वैल्यू थ्री है, ये हमने ऊपर नीचे लिख दिए हैं। माइनस टू बाय थ्री ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, मीन्स कि इंटीजर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हम सेकंड केस इज़ नॉट एप्लीकेबल, इस मेथड के लिए हम सेकंड केस नहीं अप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट मेथड ही अप्लाई होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।